궁금증. स्वागत है आपका आई न्यूज में। देखिए हर रोज रात 10 बजे न्यूज एक्सप्रेस 10 आई न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा ने बताया कि लखनऊ से हरदोई जा रही और हरदोई से लखनऊ आ रही रोडवेज बस के दरमियान जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बस ड्राइवर समेत 6 अफराद की मौत हो गई, जख्मियों की तादाद 8 है। जम्मू कश्मीर में मुलाजिमीन के साथ इस्तेहसाल खत्म किया जाए। बुखारी ने कहा है कि रियासत में हजारों मुलाजिमीन पिछले 1.5 साल से कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर काम कर रहे हैं, जिन्हें अपने साथ काम कर रहे रेगुलर मुलाजिमीन की तरफ से बदतरीन इस्तेहसाल का सामना है। रवां साल दुगनी धोखाधड़ी बैंकों को लगी 18 खरब से ज्यादा की चपत। RBI रिपोर्ट में गुज़िश्ता रोज मंगल को जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सालाना रिपोर्ट में दिखाया गया है कि इनमें से बेशतर मामलों में बैंकों के जरिए दिए गए कर्ज में फ्रॉड हुआ है। बिहार के अररिया इलाके में हुआ एक बड़ा हादसा। यहाँ लोहे का काफी पुराना पुल अचानक से बकरा नदी में समा गया। इस दौरान पुल के गिरने से एक ट्रैक्टर और मुसाफिरों से भरा एक ऑटो नदी में जा गिरा। कर्ज अदायगी मामले में RBI के पीछे न छुपे अपना रुख वाजिया करे हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट का तबसीरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोरेटोरियम के मामले में हुकूमत अपना रुख वाजिया करने के लिए जल्द हलफनामा दायर करे और रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर खुद का दिफा ना करे। अब इस मामले की आइंदा समाप्त 1 सितंबर को होगी। दुनिया में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,38,00,000 से ज्यादा, 8,00,000 से ज्यादा हिलाकतें। सफेद फॉर्म पुलिस ऑफिसर के हाथों एक सियाह फॉर्म पर अंधाधुंध गोलियां चलाने के वाक्य के बाद अमेरिका में फिर तशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े और सियाह फॉर्मों के साथ हो रहे नारवा स्लूक की रोकथाम का मुतालिबा किया गया। कांग्रेस रुकन असेंबली इरफान अंसारी ने गैर मुल्की तबलीगी जमात के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का किया मुतालिबा, वजीर आला हेमंत सोरेन को लिखा खत। शिखर धवन समेत पूरी दिल्ली कैपिटल्स टीम का हुआ कोरोना टेस्ट। IPL के 13वें सीजन के लिए 6 टीमें अबू धाबी पहुंच चुकी हैं, मगर दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक उड़ान नहीं भरी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI की टीम अदाकारा रिया चक्रवर्ती और उनके अहले खाना को कर सकती है गिरफ्तार। CBI की 2 टीमें उनके घर के लिए पहुंची थीं।